स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे पर आज एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। सूरत में पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवाया। 4 साल की छोटी सी बच्ची से उन्होंने मुलाकात की। बच्ची को मिलाने के लिए सुरक्षाकर्मी बकायदा उस बच्ची को गोद में उठाकर कार में ले गए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे। दरअसल जब पीएम का काफिला वहां से गुजर रहा था तब 4 साल की बच्ची सड़क पर आ गई। अचानक से वो पीएम से मिलना चाहती थी। पीएम को जब पता चला तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, अपनी गाड़ियां रुकवाई, फिर अपने सुरक्षाकर्मियों को उस बच्ची को लाने के लिए भेजा। सुरक्षाकर्मी गए और ये देखिए इन तस्वीरों में जो बच्ची दिख रही है ये छोटी सी बच्ची। फिर सुरक्षाकर्मी इस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्रधानमंत्री की गाड़ी तक ले गए और फिर पीएम मोदी ने कुछ देर इस बच्चे को दुलार किया। ये तस्वीरें देखिए। गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत में आज दूसरा दिन है उनका और इस दौरान जब काफिला गुजर रहा था रास्ते से तो एक छोटी बच्ची जिसको आप देखिए बच्ची को उठाकर लाए और फिर प्रधानमंत्री से मिलवाने के बाद वापस छोड़ दिया गया। ये भी एक स्टाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आनंद पाठक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता सूरत से। आनंद, लोगों से तो मिलते ही थे प्रधानमंत्री मोदी और रोड शो वगैरह में भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हैं, कनेक्ट जो होता है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज एक छोटी बच्ची से भी मिले हैं। रोड पर आ गई थी तो पीएम मिले उससे। जी बिल्कुल, ये पीएम का काफिला कतारगाम किरण हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के जा रहे थे। उसी वक्त काफिला जब कतारगाम चौराहे पे पहुंचा वहीं पे काफी भीड़ थी। इसी बीच भीड़ से ये बच्ची निकली और पीएम की नजर बच्ची पे पड़ी। पीएम ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उसका दुलार किया। इसके बाद भीड़ मोदी मोदी के नारे लगने लगे और 2 मिनट तक काफिला रुका रहा। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा किरण हॉस्पिटल की तरफ। तो इस तरह से अभिवादन करते रहते हैं पीएम, लेकिन आज उन्होंने जब बच्ची को सड़क पर उनकी तरफ आते देखा मोदी मोदी के नारे लगने लगे और 2 मिनट तक काफिला रुका रहा। उसके बाद काफिला आगे बढ़ा किरण हॉस्पिटल की तरफ। तो इस तरह से अभिवादन करते रहते हैं पीएम, लेकिन आज उन्होंने जब बच्ची को सड़क पर उनकी तरफ आते देखा तो वो अपने पास बुला लिया। बिल्कुल, कितनी देर तक ये बच्ची रही पीएम के साथ गाड़ी में? ये पीएम के साथ लगभग 2 मिनट से काफिला रुक रहा। थोड़ी देर उससे बच्ची से उसके हाथ में जो घड़ी थी उसके बारे में पूछा और उसका नाम पूछा। इस तरह से करीबन 1 से 1.5 मिनट तक बच्ची पीएम के पास रही और उससे बातें करती रही। पीएम ने उसको दुलार करते हैं, उसके बाद काफिला ही आगे बढ़ते। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर चूंकि काफी कोलाहल भी मुझे सुनाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारी भीड़ रही होगी। इस इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा वहां पर जो इतने लोग मौजूद थे उन पर? बिल्कुल, पीएम का काफिला जैसे ही सर्किट हाउस से कतारगाम की तरफ बढ़ रहा था तो लोग उनके स्वागत के लिए सड़क पर उतर आए थे। सुबह से ही काफी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और ये जो वाकया जिस जगह हुआ था वो किरण हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर पे थे। ऐसे में जहाँ सभा भी होनी थी तो लोगों का जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो बच्ची वहां पर पहुंच गई थी बीच में जब पीएम मोदी का काफिला निकल रहा था, तो बच्ची साइड में रोड के जो कि लोग खड़े हुए थे उनमें से निकलकर थोड़ा सा आगे आ गई। जब प्रधानमंत्री ने ये देखा इस बच्ची को तो फौरन अपने काफिले को रुकवाया, इस बच्ची को बुलवाया अपने पास, सुरक्षाकर्मी लेकर आए। फिर तकरीबन 2 मिनट तक प्रधानमंत्री बच्ची के साथ बैठे और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि बच्ची से उसका थोड़ा हालचाल पूछा, जो घड़ी बच्ची ने हाथ में पहनी हुई थी उसके बारे में पूछा और फिर वापस उस बच्ची को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए।